बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में कई ऐसी लव स्टोरीज हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल है। पहली नजर का प्यार, फिर इकरार और फिर शादी। ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में आपने कई बनते बिगड़ते रिश्ते तो देखे ही होंगे, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे रिश्ते भी हैं जिन्होंने सही में एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। ऐसा ही एक बॉलीवुड कपल है जिन्होंने दुनिया को सही मायने में प्यार समझाया है। इस कपल के रिश्ते की खास बात यह है कि उनका ये रिश्ता मीडिया की नजरों से परे बना था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर की। किसको पता था कि एक प्रैंक कॉल से शुरू हुई इनकी लव स्टोरी आज सभी के लिए एक मिसाल बन जाएगी। सुनीता को पहली ही बार देखकर अनिल उन्हें अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन शादी तो छोड़िए, पहले सुनीता तक पहुंच पाना ही अनिल के लिए बहुत मुश्किल था। पर एक्टर ने हार नहीं मानी और अपनी मोहब्बत की मंजिल तक पहुँच कर ही दम ली। तो चलिए आपको बताते हैं इनकी दिलचस्प लव स्टोरी। शादी से पहले अनिल कपूर ने बहुत लड़कियों को डेट किया था। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल ने बताया था कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही मौज मस्ती करना शुरू कर दिया था। उनको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठ जाया करते थे और तब उन्होंने 3-4 लड़कियों को डेट किया था। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में 20-25 लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन सुनीता सबसे बेस्ट थी। वो मेरी दोस्त भी थी और उनके साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग थी। साल 2018 में एक इंटरव्यू में अनिल ने अपनी लव स्टोरी को लेकर कुछ खुलासे भी किए थे। अनिल ने बताया था कि किस तरह वो पहली बार सुनीता से मिले और फिर बात शादी तक पहुंची। एक्टर को सुनीता का नंबर उनकी किसी दोस्त ने प्रैंक कॉल करने के लिए दिया था, लेकिन जब अनिल ने सुनीता से बात की तो अनिल को सुनीता की आवाज़ इतनी प्यारी लगी कि उनको उनकी आवाज़ से प्यार हो गया। इसके बाद वो एक पार्टी में मिले और अनिल को सुनीता पहली नजर में ही पसंद आ गई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों दोस्त बन गए। पहले अनिल सुनीता से किसी दूसरी लड़की के बारे में बात किया करते थे जिसको वो पसंद करते थे, लेकिन फिर वो लड़की अनिल का दिल तोड़ कर चली गई और फिर इसके बाद सुनीता और अनिल की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई। आज अनिल भले ही करोड़ों के मालिक हों, लेकिन अपने स्ट्रगलिंग डेज में अनिल कपूर के पास टैक्सी के किराए तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और उनके सारे खर्चे सुनीता उठाती थी। और उस वक्त अनिल कपूर के पास कुछ खास काम भी नहीं था, उनके पास कैब में देने तक के पैसे नहीं होते थे। तब सुनीता पैसे देती थी ताकि अनिल को उनसे मिलने के लिए घंटों बस से ट्रैवल ना करना पड़े। अनिल ने इस दौरान खूब स्ट्रगल किया और सुनीता ने भी उनको खूब सपोर्ट किया। फिर 1985 में जब अनिल कपूर को मेरी जंग के जरिए एक बड़ा ब्रेक मिला तो उन्होंने सुनीता को प्रपोज करने का फैसला किया। 17 मई 1984 में उन्होंने फिल्म साइन की, 18 मई को प्रपोज किया और 19 मई को दोनों ने शादी कर ली। अनिल ने सुनीता को पहले इसलिए प्रपोज नहीं किया था क्योंकि सुनीता ने मना कर दिया था कि वो किचन में काम नहीं करेंगी। तो जब अनिल कपूर को मेरी जंग मिली, उन्हें लगा कि अब वो घर में नौकर रखना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने सुनीता को जाकर प्रपोज कर दिया। और ये सुनीता का ही आइडिया था कि प्रपोज के अगले दिन ही हम शादी करेंगे, वरना फिर हम कभी नहीं करेंगे। एक्टर कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी लव स्टोरी का जिक्र कर चुके हैं और आज भी अनिल कपूर और सुनीता की जोड़ी को पूरे बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में गिना जाता है। और सच है, अगर प्यार हो तो ऐसा ही हो।